तो चलिए कुछ एक न्यूमेरिकल्स करते हैं जो कंसेप्ट हमने अभी अभी किया। तो मेरे पास इस क्वेश्चन में दो ब्लॉक्स दे रखे हैं, इन ब्लॉक्स को पुल किया जा रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन विद ए फोर्स ऑफ 120 न्यूटन। ये ऊपर वाला ब्लॉक 4 kg का है और जो नीचे वाला ब्लॉक है ये 2 kg का है। एंड द क्वेश्चन इज फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में हमें टेंशन फाइंड आउट करनी है। ओके, अब क्या फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है, क्या हम यहाँ पर कोई सिस्टम डिसाइड कर सकते हैं? यस और नो? यस, जो 4 kg एंड 2 kg ब्लॉक्स हैं इन दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर ये सिचुएशन हो तो हम इन दोनों ब्लॉक्स को एक सिंगल सिस्टम मान सकते हैं। अगर ये एक सिंगल सिस्टम है तो इस सिस्टम में जो टेंशन है वो इंटरनल फोर्स हो जाएगी। हम उस इंटरनल फोर्स को हटा देंगे, नेट इंटरनल फोर्स विल बी 0। तो टोटल मास कितना हो गया? 6 kg, विच इज बीइंग पुल्ड विद द फोर्स ऑफ 120 न्यूटन एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब इसका वेट कितना हो गया? 6 kg का वेट, ग्रेविटेशन फोर्स 60 न्यूटन, दैट विल बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और कोई फोर्स लग नहीं रही। तो नेट फोर्स किस तरफ है? ऊपर की तरफ है। कौन सी डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। तो फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। टोटल फोर्सेस कितनी हो गई? 120 माइनस 60 इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इज 6 kg इनटू एक्सेलरेशन विच इज अननोन, से ए वाई या ए जो मर्जी लिख लो। ये हो गया 60 बाय 6 यानी कि 10। मीन्स एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस ऑफ दिस सिस्टम विल बी 10 m/s². ओके, अब आ गई इस ब्लॉक पे या इस स्ट्रिंग की टेंशन। इसके लिए हम यहाँ पर 2 kg ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। 20 न्यूटन किस तरफ लगेगा? नीचे को। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशन फोर्स mg। टेंशन यहाँ से लगेगी ऊपर को T, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है। बट हमें ये पता है कि ये जो ब्लॉक है ये ऊपर को जा रहा है विद एक्सेलरेशन 10 m/s², दैट वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड। अगर ये ब्लॉक ऊपर को है तो ऊपर वाली फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए, यानी टी माइनस 20 न्यूटन। ये होगी नेट फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ब्लॉक का मास 2 kg, ब्लॉक की एक्सेलरेशन 10। तो टी आ गया हमारे पास 40 न्यूटन, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें 3 ब्लॉक्स दे रखे हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एज शोन इन फिगर। फर्स्ट ब्लॉक 1 kg का, दूसरा 4 kg वेट और तीसरा 2 kg। दिस आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ सरफेस। दिस ब्लॉक इज पुश्ड विद ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एंड दिस वन विद ए फोर्स ऑफ 120 न्यूटन। एंड क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड व्हाट इज नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। एंड थर्ड वन इज व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 1 kg एंड 4 kg ब्लॉक, बिटवीन 1 kg एंड 4 kg ब्लॉक। ओके, तो शुरू करते हैं। इस केस में फिर से ध्यान से देखिए, क्या मैं इन तीनों ब्लॉक्स को एक सिंगल सिस्टम मान सकता हूँ?
तीनों ब्लॉक्स जिस तरफ भी मूव करेंगे पक्का से तीनों की एक्सेलरेशन बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम रहेगी। अगर तीनों की एक्सेलरेशन सेम है, इन तीनों को हम एक सिस्टम मान सकते हैं, तो ये हो गया 4 + 2 + 1 7 kg। इसको एक तरफ से इधर से फोर्स लग रही है 50 न्यूटन, इधर से लग रही है 120 न्यूटन। तो एक्स एक्सिस में नेट फोर्स कितनी हो गई, 120 - 50 यानी कि 70। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, 10 m/s². ये एक्सेलरेशन होगी किस तरफ, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? नेचुरली जिस तरफ फोर्स ज़्यादा थी, 120 फोर्स थी राइट साइड में, तो ये सिस्टम इधर को मूव करेगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 m/s². क्लियर। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है नेट फोर्स ऑन 2 kg। तो 2 kg पे नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम 2 kg की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 2 kg पे इस तरफ से कितनी फोर्स लगेगी, 50 न्यूटन। इन दोनों के बीच में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, से दिस इज R1। बट 2 kg जा किस तरफ रहा है, 2 kg इस तरफ जा रहा है, किस तरफ, राइट साइड में, जिस तरफ सिस्टम की एक्सेलरेशन है, और सिस्टम की एक्सेलरेशन है कितनी है, 10 m/s². ओके, अब आप लोग फिलहाल इसे कैसे कैलकुलेट करोगे, आप लोग लिखोगे सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर मैं 2 kg को देखूं, तो 2 kg के लिए मास 2 और इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी है, 10। आंसर कितना आ गया, 20 न्यूटन। तो बेसिकली ये क्या है, नेट फोर्स। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg विच कम्स आउट 20 न्यूटन। ठीक है बेटा, अब बताओ आप अगर इसे डायरेक्ट करते तो कैसे करते, आपको एक्चुअली फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमारे पास इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन पता थी कितनी है, 10 m/s², तो इसमें इसके ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी होनी चाहिए थी, 2 × 10 यानी कि 20 न्यूटन। अब क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे आते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 1 kg एंड 4 kg। तो अब 1 kg और 4 kg के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, बेटर है कि सिर्फ 1 kg के लिए बना लें, उसी से काम हो जाएगा। मैं थोड़ी जगह दिखाऊं, तो सिर्फ 1 kg के लिए ही फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। इस तरफ से फोर्स लग रही थी 120 न्यूटन, ब्लॉक का मास है 1 kg। 4 kg वाला ब्लॉक इसे इधर को धक्का मारेगा, पुश करेगा, एंड लेट अस से नॉर्मल रिएक्शन इज R2। बट जो 1 kg का ब्लॉक है उसकी एक्सेलरेशन वही है जो सिस्टम की एक्सेलरेशन है, यानी कि 10 m/s², यानी कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, 10 m/s². अब नेट फोर्स कितनी होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन राइट साइड में है, नेट फोर्स भी राइट साइड में होगी, यानी कि 120 न्यूटन R2 से ज़्यादा होगा, मीन्स नेट फोर्स होगी 120 - R2 इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक 1 kg × एक्सेलरेशन इन ब्लॉक, यानी कि यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी आएगी, 120 - 10, यानी कि R2 की वैल्यू मेरे पास आएगी 110 न्यूटन, ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन दिया है विच मेक्स एंगल 30 degree विद हॉरिजॉन्टल। इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर 2 ब्लॉक्स रखे गए हैं, वन ऑफ मास 4 kg
एंड सेकेंड वन इज ऑफ मास 2 kg एंड दिस इंक्लाइंड प्लेन इज स्मूथ एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉर्मल फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स व्हाट इज नॉर्मल फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स देखो बेटा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है एक्चुअली ये सरफेस स्मूथ है तो अगर मैं बात करूं क्या ये दोनों एक साथ मूव करेंगे लॉजिकली यस बट एक साथ मूव करते हुए भी इन दोनों के बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा क्यों ध्यान से देखिएगा अगर मैं 4 kg के लिए बात करूं तो 4 kg के लिए सॉरी 4 kg के लिए इस तरफ फोर्स कितनी होगी बोलो mg sin थीटा ठीक है सिमिलरली 2 kg के लिए भी इधर फोर्स कितनी होगी mg sin थीटा यानी कि दोनों ब्लॉक्स के लिए एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन ठीक है डाउन द प्लेन कितनी होगी g sin थीटा चाहे वो आपस में कांटेक्ट में है चाहे वो कांटेक्ट में नहीं है मीन्स दोनों अपनी अपनी एक्सेलरेशन से ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नीचे मूव करेंगे मीन्स दूसरा ब्लॉक अगर मैं यहाँ पे ऐसे शो कर दूँ ठीक है ये भी अपनी एक्सेलरेशन से इधर को मूव करेगा चाहे अब अगर दोनों की एक्सेलरेशन सेम है तो अगर जो गैप यहाँ पर है वही गैप मेंटेन रहेगा देखो बेटा क्वेश्चन में ये गैप नहीं दिया हुआ मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मान के चलता हूँ कि इन दोनों ब्लॉक्स को थोड़े से गैप पे रख के छोड़ दिया अब ये गैप कॉन्टिन्यूसली मेंटेन रहेगा क्यों क्योंकि दोनों की एक्सेलरेशन हर टाइम पे सेम है दोनों की वेलोसिटी हर टाइम पे सेम होगी इसका मतलब ये वाला ब्लॉक आगे 4 kg को टच नहीं करेगा तो इनका कॉन्टैक्ट नहीं होगा अगर कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं लगेगा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स अब क्वेश्चन में इन दोनों को जोड़ के रखा है बट सो वट आप इमेजिन कर लो कि यहाँ पर एक इनफाइनिटिसमली स्मॉल गैप है तो वो गैप कभी भी ओवरकम नहीं हो पाएगा यानी कि दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर कभी भी नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट नहीं करेंगे अंडर गिवन कंडीशंस इसी टाइप पे आखिरी क्वेश्चन हमारे पास एक लिफ्ट है जिस लिफ्ट में एक ब्लॉक रखा गया है ब्लॉक ए ठीक है जी मान लीजिए इस ब्लॉक का मास है m एंड दिस लिफ्ट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a डाउन द इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट m एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ एक्सर्ट्स a force of mg by 4 on the floor means हमें ये acceleration ढूंढनी है ताकि जो a block है वो यहाँ पर कितनी force exert करे mg by 4 अपने actual weight का 1/4 अब मैं इसे समझने के लिए free body diagram बनाता हूँ ए ब्लॉक का खुद का वेट कितना है mg विच इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अब जितनी फोर्स ये ब्लॉक इस लिफ्ट के ऊपर एग्जर्ट करेगा उतनी ही फोर्स ये लिफ्ट ब्लॉक के ऊपर एग्जर्ट करेगी मीन्स अगर यहाँ पे ये r है तो इस लिफ्ट के लिए भी ये फोर्स r ही होगी क्वेश्चन में हमसे इस आर की वैल्यू फाइंड आउट दी हुई है सॉरी इस आर की वैल्यू mg by 4 दे रखी है हियर आर रिप्रेजेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन द फ्लोर बट ये आर मैग्नीट्यूड में सेम होंगे तो हम इस आर के लिए कैलकुलेशन करेंगे सिस्टम नीचे मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन a और इस आर की वैल्यू एज पर क्वेश्चन कितनी है mg by 4 अब
अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में देखूं तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा है, कितनी है एम जी, तो अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी है एम जी बाय फोर। नेट फोर्स होगी एम जी माइनस एम जी बाय फोर इज इक्वल टू एम इन टू ए। ऑन कैलकुलेशन यू गेट ए इज इक्वल टू 3 जी बाय फोर विच इज रिक्वायर्ड आंसर।